पुणे के येडवाड़ा की मूल निवासी दलित समाज की शैलजा पाइक को 7 करोड़ रुपए के मैक ऑर्थर फेलो प्रोग्राम की जीनियस ग्रांट फेलोशिप के लिए चुना गया है। यह पहली बार है जब दलित समाज के किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी धनराशि की फेलोशिप मिली है। शैलजा एक आधुनिक इतिहासकार हैं जो जाति, लिंग और सेक्सुअलिटी के नज़रिए से दलित महिलाओं के जीवन का अध्ययन करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपने लेखन के जरिए बताया है कि लिंग और सेक्सुअलिटी ने दलित महिलाओं के आत्मसम्मान और उनके व्यक्तित्व के शोषण को कैसे प्रभावित किया है। शैलजा की कहानी गरीबी से निकलकर अमेरिका में प्रोफेसर बनने तक के शानदार सफर की कहानी है। उनका जीवन पुणे के येरवड़ा की झुग्गी झोपड़ी में बहुत अभाव और चुनौतियों के बीच बीता, लेकिन आगे बढ़ने और सफल होने की जिद और सपने ने उनके पैर न तो रुकने दिए और न ही थकने दिए। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो शाम को 7:30 बजे सो जाती थी और आधी रात को 2 से 3 बजे उठकर सुबह के 6 से 7 बजे तक पढ़ती थी, फिर स्कूल जाती थी। पढ़ाई के इस संघर्ष में उन्हें माता पिता का भी बखूबी साथ मिला, जिन्होंने तमाम अभाव के बावजूद उन्हें अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाया। शैलजा ने एमए की पढ़ाई 1994 से 1996 के दौरान सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से पूरी की। एमफिल के लिए वह साल 2000 में इंग्लैंड चली गई। एमफिल के लिए शैलजा को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद से फेलोशिप मिली थी। शैलजा पाइक का सफर यही नहीं रुका, उन्होंने 2007 में इंग्लैंड के वार्विक विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल की। उन्होंने यूनियन कॉलेज में इतिहास के विजिटिंग सहायक प्रोफेसर और येल विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई इतिहास के पोस्ट डॉक्टरल एसोसिएट्स और सहायक प्रोफेसर के रूप में भी काम किया है। शैलजा साल 2010 से सिनसिनाटी विश्वविद्यालय से जुड़ गईं। यहाँ वह महिला, लिंग और सेक्सुअलिटी अध्ययन और एशियाई अध्ययन की शोध प्रोफेसर हैं। दरअसल शैलजा पाइक ने अपने शोध अध्ययन के माध्यम से दलित महिलाओं के जीवन को गहराई से प्रस्तुत किया है, जिसके लिए आज उन्हें दुनिया के तमाम हिस्सों में जाना जाता है। उनका यही काम मैकआर्थर फाउंडेशन की ओर से उन्हें मैकआर्थर फेलोशिप मिलने का आधार बना। इस फेलोशिप के तहत अमेरिका में अलग अलग क्षेत्रों के 20 से 30 शोधकर्ताओं और विद्वानों को हर साल फेलोशिप दी जाती है। इस साल यह फेलोशिप 22 लोगों को मिली है, जिसमें लेखक, कलाकार, समाजशास्त्री, शिक्षक, मीडियाकर्मी, आईटी उद्योग, अनुसंधान जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोग शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को 5 साल के लिए कई चरणों में $8,00,000 यानी तकरीबन 7 करोड़ रुपये की राशि मिलती है। शैलजा पाई के लेखन की बात करें तो उनके संपूर्ण लेखन के केंद्र में दलित और दलित महिलाएं हैं। उन्होंने भारतीय भाषाओं के साहित्य के अलावा समकालीन दलित महिलाओं के इंटरव्यू के दौरान मिले अनुभवों को जोड़कर वर्तमान संदर्भ में एक नया दृष्टिकोण तैयार किया है। आधुनिक भारत में दलित महिला शिक्षा, दोहरा भेदभाव 2014 और जाति की अश्लीलता, दलित सेक्सुअलिटी और आधुनिक भारत में मानवता नाम से उनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। शैलजा पाइक को इसके पहले फोर्ड फाउंडेशन की फेलोशिप भी मिल चुकी है। रचनात्मकता मैकआर्थर फेलोशिप का एक मूलभूत मानदंड है। इस फेलोशिप का उद्देश्य नए विचारों वाले उभरते इनोवेटर्स के काम में निवेश करना, उसे प्रोत्साहित करना और उनका समर्थन करना है। खास बात यह है कि इस फेलोशिप के लिए कोई आवेदन या साक्षात्कार प्रक्रिया नहीं है, बल्कि फेलोशिप के लिए विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा नामित विद्वान उम्मीदवारों की स्क्रूटनी के बाद नामों को फाइनल किया जाता है। शैलजा पाइक को मिली यह उपलब्धि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है, साथ ही अम्बेडकरवादी समाज को आत्मविश्वास से भरने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। मनुवादियों ने बहुजनों के इतिहास को, उनके नायकों को मिटा देने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अंबेडकरवादियों ने तमाम मुश्किलों को सहकर उसे जिंदा रखा। बहुजन कैलेंडर 2025 के जरिए हमने भी बहुजनों के संघर्ष और इतिहास को सहेजने का काम किया है, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, इतिहास भी बताते हैं। तो आज ही ऑर्डर करिए 2025 का बहुजन कैलेंडर, बुकिंग शुरू है। ऑर्डर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9711666056 पर मैसेज करें या dalitdastak@gmail.com पर ईमेल करें।